हेलो राखी जी आइए, हमारे फेवरेट राखी जी। हाँ एक मिनट आइए, राखी जी देंगे। बिग बॉस की क्वीन राखी सावंत। बिग बॉस राखी जी इधर, ये वाला कैमरा राखी जी पकड़ लिए, आपको पता चल जाते मेरे अड्डे जहाँ पे है, बहुत सारे बीएमसी के अड्डे वहीं पे है राखी सावंत के अड्डे। आज मैं मेरी स्वीटहार्ट फ्रेंड राजश्री के नेल आर्ट में यहाँ पे आए हैं, नेल्स कराने, बाल हेयर वॉश कराने, मसाज हर चीज किया, लैशेस बहुत टायर्ड हो गए तो ये एक ही तो है पूरे लोगनवाला में जो हम लोग को ब्यूटीफुल बनाती है, ऑल सेलिब्रिटीज को, नॉट मी ओनली। सो अभी थोड़ा फ्रेश लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बट अभी भी वो नींद गायब नहीं हुई है, नींद पूरी नहीं हुई है, थकावट है, वो दो ढाई महीने की टायर्डनेस है, बाहर निकलते ही वो कितने 14 लोग या 10-12 लोग थे, उनकी शक्लें ही देख देख के देखते थे अंदर, लेकिन बाहर आके जब नई शक्लें देखो तो मतलब खुद की आंखों को यकीन नहीं होता था कि ओ माय गॉड नए लोगों को देख रहे करके, और क्या बताऊँ मतलब राखी जी कल दिमाग ही काम नहीं कर रहा। राखी जी कल शमीला शेट्टी जी का बर्थडे, आप क्या कहना चाहोगे, कल पार्टी भी है, अब ऐसे मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है, बगैर तैयार हुए ही मैं रावस दिखती हूँ, यू नो रावस, शार्क नहीं रावस। सो बोलना तो कुछ भी बोलो, राश्री हमारी है कुछ कहेगी। बोलो राखी जी के बारे में कुछ अच्छी बात। हाँ वो लड़की को हटा ना, राखी जी मेरे वन माय फेवरेट राखी जी है, और मैं एंटरटेनमेंट, मुझे राष्ट्रीय के हेयर बहुत पसंद है। अगले साल अगर पता नहीं मैं जाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, गई तो तुम्हारे ही है, तुम्हारे तो रियल बाल है, तुम्हारे वीक लेकर जाऊंगी। राखी जी टॉप टू को देख के काफी फैंस नाराज हुए थे, काफी फैंस शॉक भी हुए थे, क्या आप टॉप टू देख के शॉक हुए, और प्रतीक का ना जीतना बहुत बड़ा सवाल उठा, आपकी राय क्या? एंड में बहुत गड़बड़ था, कभी प्रतीक गया, कभी तेजा गई, कभी ये क्या उल्टा उलट पलट हुई, समझ में ही नहीं आया। प्रतीक गया तो हमारे तोते उड़ गए, अरे माई गॉड प्रतीक क्लास टू में नहीं है, टॉप टू में, और मतलब के तोते हमारे उड़ गए और हम लोग लाइक शॉक हो गए। फिर मैंने कहा करण गया, मैंने ओ माय गॉड करण भी नहीं है, तेजा आउट हुई तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओ माय गॉड चलो चलो तेजा को कम से कम चैनल ने नागिन सीरियल दे दिया तो शायद तेजा नहीं ट्रॉफी जीतेगी, लेकिन फिर करण को निकाला, फिर तेजा आई, तो इतना गड़बड़ कुछ समझ में ही नहीं आया एंड में, हमारे सब होशो आवास उड़े हुए थे, आप देख रहे थे मैं कितना स्क्रीम कर रही थी, तो समझ में नहीं आया। लेकिन सलमान जी कभी कभी फिनाले में ऐसे हाथ ऊपर ऐसे ऊपर एक दूसरे के ऊपर मस्ती करते रहते हैं, वो जॉली है सलमान जी, और मस्ती तो बनती है फिनाले में। एंड जिस तरह का शहनाज गिल का परफॉर्मेंस, देखो लोगों का तो हम नहीं बता सकते, लोगों तो यहाँ पे मैं लोगों का क्या बताऊँ, मैंने तो इतना एंटरटेन किया है, मुझे वोट नहीं आए हैं और मुझे नहीं पता था। हाँ राखी जी नहीं 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 मैं देश की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, देश की जनता के वोट बहुत आते हैं मुझे, मैं वो जो 20-25 लोग वहाँ पे जनता आई थी मैं उसको बिलीव नहीं करती, मैं नहीं मानती हूँ, मुझे पता है कि मैंने हार्ड वर्क लगता है देश की जनता को एंटरटेन करने के लिए, और मैं एंटरटेनर हूँ और मैं हमेशा अलग कॉन्सेप्ट लाती हूँ, लोगों की तरह लव लपाटे करके मैं आगे नहीं जाती हूँ, या बहुत सारी चीज़ों को करके मैं नहीं आगे जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एंटरटेन करके ही जाती हूँ। राखी जी शहनाज एक सेकंड आप रुकिए जरा, राखी जी मैडम आप मास्क पहनिए, क्योंकि मैंने चाहता ये ओमिक्रोन जो भी है मुझे लगे मैडम, क्योंकि मैंने मास्क नहीं पहना तो आप पहनिए। राखी जी शहनाज गिल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, लोगों को काफी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा शहनाज गिल का परफॉर्मेंस? शहनाज गिल तो रॉक स्टार है और हिंदुस्तान की दिलों की धड़कन है, शी इज अमेजिंग, और मुझे लगता है कि शहनाज कम ऑन शहनाज सीट को तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे, वो हमारे दिलों में दिमाग में है,
वो हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गया है। बट अभी चेयर अप और अभी धमाका करो, जैसे अभी आपने फिनाले में धमाका किया था वैसे। एंड यू आर ट्रू रॉक स्टार। एक आखिरी सवाल, जिस तरह हर साल लगातार आपको देखते बिग बॉस के घर पे, आने वाले समय में बिग बॉस के बहुत सारे लोग जो है मुझसे नाराज है। तो उन लोगों का उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुमने मेरा प्रमोशन नहीं किया, मेरा प्रमोशन नहीं किया। तो भाई सब लोग, आप लोग नाराज हो, मैं मुझे पता है बहुत सारे, मैं सबके प्रमोशन तो नहीं कर सकती हूँ। मैं उन्होंने पोस्टर भी बना के डाले हैं कि नाम किसका लिया, ये किया वो। तो बस मैं ये कहती हूँ कि भाई मैं सबको नहीं बना सकती हूँ। और कभी कभी लगता है कि सबको मनाना पड़ता है, हर फेस्टिवल की तरह। आप लोग कोई फेस्टिवल नहीं हो जो मैं हर वक्त मनाते रहूँ, कम ऑन। हर फेस्टिवल की तरह लोगों को मना नहीं सकती हूँ। मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरा भी अपनी सोच है, मेरी भी अपनी पसंद है। तो ठीक है, रितेश ने अभी कहा है कि उसे मीडिया के सामने नहीं आना है, और ये अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और वो मीडिया के सामने वो नहीं आना चाहते। देखिए मैं तो एक पब्लिक फिगर हूँ और मैं एंटरटेनर हूँ, मैं फिल्मों में हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। तो हाय, तो हम लोग आते हैं, बट वो एक बिजनेसमैन है तो उन्हें नहीं आना है, दैट्स इट। इसलिए उन्होंने कहा मुझे मीडिया के सामने नहीं आना है, बिकॉज उन्हें नहीं पता चलता है कि उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। क्योंकि माशाल्लाह तुम लोग तो तोड़ मोड़ के क्या क्या दिखा देते हो, भगवान जाने। तुम लोगों को तो मैं ही झेल लेती हूँ और मुझे तुम लोग झेल लेते हो। हाँ, ये लोग बहुत तोड़ मोड़ के दिखाते हैं भाई। हाँ, मुझे नहीं पता। रितेश एक सिंपल आम आदमी है जिससे मैंने व्हाट्सएप पे मिली, व्हाट्सएप पे शादी करी मैंने। ये प्यार देखो, व्हाट्सएप वाला प्यार। हाँ, व्हाट्सएप वाला प्यार है, और डर लग रहा है कहीं व्हाट्सएप ही ना टूट जाए। लोक में तो जाना। हाँ, हाँ, पता नहीं, मेरा दिमाग का भरोसा नहीं, शायद मैं रितेश को ब्लॉक भी कर दूँ, आई डोंट नो। हाँ, लड़ाई झगड़े करेंगे, बिकॉज सलमान जी ने मुझे बोला है मुझे सहना नहीं है, और क्योंकि मैं एक टाइग्रेस हूँ और मुझे अभी सहना नहीं है, और मैंने अपना दिमाग भी बना लिया है कि अब मैं किसी का नहीं सहूंगी, अब मैं सामना करूँगा। सलमान भाई का सॉन्ग आया, आपने देखा सलमान भाई का सॉन्ग आया था पार्टी विद मी, राखी जी मार मारूंगी ना सलमान खान के बारे में, कोई बोलेगा नहीं चला करके। भाई की फिल्म भी चलती है, भाई का गाना भी चलता है, और नाम है नहीं चला। अच्छा मैं चला, मैं सोची नहीं चला, खाली बिचकुली के लिए नहीं चला। दो साल बिचकुले नहीं चला, मेरे सलमान भाई तो हमेशा चलते हैं। राखी जी मेरा जब तक सूरज चांद रहेगा सलमान खान तुम्हारा नाम रहेगा। राखी जी मेरा एक सवाल था, आपने बिग बॉस फिनाले के पहले कुछ अलग प्रिटेंड किया था और बोला भी था कि तेजस्वी नहीं जीतेगी, और तेजस्वी ने किताब जीता और तेजस्वी ने आपसे पूछा कि आपने प्रिटेंड किया था, आपने हाँ बोला। मैं बिग बॉस हाउस में थी ना, तो सलमान जी ने और बिग बॉस ने मेरी बहुत फटकार लगा थी, क्योंकि जब मैं अंदर गई थी ना तभी मैंने करण और तेजस्वी को बोला था कि तेजस्वी तुम जीतोगी। तो बिग बॉस ने बोला तुम्हें कैसे पता, शायद आप लोगों ने वो एपिसोड देखा है। तो मैंने कहा मैं तुक्के लगाती हूँ, मेरे को सिक्स सेंस है, मेरी दो आंखें नहीं, मेरे पास चार आंखें, एक इधर दो पीछे, तो मुझे पता चलता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं। लास्ट टाइम रुबीना को भी बताया था कौन जीतेगा। तो जब मैं बिग बॉस में जाती हूँ मुझे पता है कि मैं नहीं जीतूंगी, तो भी मैं मेहनत करती हूँ, बट मैं कब जीतूंगी। मुझे चुनवा दो, मुझे चुनवा दो बिग बॉस। क्या मैं जीतूंगी? कब्र में जाने से पहले एक बार मुझे बिग बॉस जितवा दो। अरे पब्लिक, क्या मैं जीतूंगी कि नहीं? नाम आपका फैन बोल रहे जीतोगे? पता नहीं। राखी जी खतरों के खिलाड़ी, चलो अभी जाने दो भाई। राखी जी खतरों के खिलाड़ी।
गले का फोटो मार ले तो लड़ना से मुझे बताओ कभी ट्रॉफी मिलेगी मुझे भी बॉस की मेरी नेचुरल लो राखी जी आपके फैन जा रहे हैं ये हार लड़ा वो नहीं हम वाला लड़ी लगी है चलो राखी जी हमारा राजन का भी मैं जाऊंगी भी मैं बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाऊंगी और बिच्चू कुले को लेकर कूद जाऊंगी राखी जी बिग बॉस ट्रॉफी ज्यादा आपको प्यारी है कि ये फैंस का प्यार आपको ज्यादा प्यारा है क्या प्यारा है दोनों में मुझे मेरे फैंस प्यारे हैं सही बात है ट्रॉफी तो गाड़ी का है भाई गाड़ी आ गई बचा दिया भाई हटना गाड़ी आ गई राखी जी फोटो राखी जी ट्रैफिक हो रहा है आपका गाड़ी फोटो क्या थैंक यू गाड़ी चलो चलो अरे का पॉकेट हो गया राखी जी पीछे राखी जी अरे अंकल आप बीच में कहाँ घुस रहे हो यार वीडियो ले रहे हो बच्चे को कवर कर रहे हो आप बच्चे को मत कवर करो ना हो गया राखी जी गेट बंद कर देंगे बोला ना मसाज वाला जब ये हटा अरे हटा तू नीचे बैठ आगे जी फैंस बढ़ गए आगे जी सलमान खान के बाद आपके फैन ज्यादा है जल्दी करो ट्रैफिक जाम है ट्रैफिक जाम है नहीं मिला फोटो जल्दी से मैं मसाज वाले का फोटो नहीं मिला ना मैं जा रहा हूं एक बार हाई करो ना इसको तो गाड़ी आएगी जा बच्चा लोग बच्चे लोग अरे जा जा ना जाना घटा ले वही क्या राखी जी मसाज वाले का कहां से घुस के आ रहा भाई नीचे से अरे मसाज वाले कहां से घुस के आ रहा भाई वो वैसा ही मसाज करता है राखी जी बुला रहे